उस वाणी का व्रत क्या है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। अग्नि व्रत पता इत्यस्य ऋषिः स एव अग्निर्देवता आर्ची त्रिष्टुप छन्दः दैवतः स्वरः। ओम अग्नि व्रत पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहामानृतात् सत्यमुपैमि। परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है, जो कि न्याय युक्त परीक्षा किया हुआ सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सबका हितकारी और इस लोक अर्थात संसारी और परलोक अर्थात मोक्ष सुख का हेतु है। यही सबको आचरण करने योग्य है और उससे विरुद्ध जो कि अधर्म कहता है वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र उसी का त्याग करना है। इसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हम लोग वेदों में आपके प्रकाशित किए हुए सत्य धर्म का ही ग्रहण करें, और हे परमात्मन, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग सत्य धर्म का पालन करके अर्थ काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से प्राप्त हो सके। जैसे सत्य व्रत के पालने से आप व्रतपति हैं, वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्य व्रत के पालने वाले हों, और धर्म करने की इच्छा से अपने सत कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों। ऐसी इच्छा सभी मनुष्यों को करनी चाहिए। मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है, एक सत्य और दूसरा झूठ का। अर्थात जो पुरुष वाणी मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं वे देव कहते हैं, और जो झूठ का आचरण करने वाले हैं वे असुर राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं। किसने सत्य करने और असत्य छोड़ने की आज्ञा दी है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है।